क्योंकि हमारा सेशन ही गजल और नज्म पे है, तो आपके ट्विटर अकाउंट पे मैं देख रही थी, बहुत सारे वीडियोस हैं, एक से एक वीडियोस, और हाल फिलहाल तो आपने एकदम झड़ी सी लगा दी है साइमा। तो यहाँ पर आज हम जानना चाहेंगे कौन से वो शायर हैं, कौन से वो गजल गायक हैं जिनसे आप प्रभावित होकर ये एकाएक ये झड़ी सी लगा देती हैं ट्विटर पर, और उसके बाद उसके उसके ऊपर कुछ लाइंस भी होती हैं साइमा की। वो सिर्फ पोस्ट नहीं होती हैं, वो वीडियोस नहीं होते, उस पर ये अपनी कुछ टिप्पणियां भी लिखती हैं। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये जो सब्जेक्ट है लव का, मोहब्बत का, इश्क का, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम जिंदगी भर भी इसका कोर्स करें तो पूरा नहीं होगा। और जब से मैंने गजलें और नज्में पढ़नी शुरू की, थोड़ी थोड़ी समझनी शुरू की, तो ऐसा लगा कि ये जिंदगी का एक ऐसा समंदर है जिसकी पहली परत पे अब मैंने थोड़ा सा तैरना सीखा है, लेकिन अभी बहुत गहरा जाना है और गहराई में जाके भी तैरना सीखा है। मैंने बहुत पहले एक दिलीप कुमार का इंटरव्यू देखा था जिसमें उनसे किसी ने पूछा था कि आप उर्दू पोएट्री पढ़ते हैं और लिखते भी हैं, तो क्या है ऐसा इसमें, मतलब, और उसको छुपाते भी हैं, बहुत जाहिर भी नहीं करते। उन्होंने एक बात कही थी जो मैं कभी भूल ही नहीं पाई। उन्होंने कहा था कि अगर जिंदगी की खूबसूरती के करीब आना है तो आपको पोएट्री के करीब आना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है कि हम उस खूबसूरती को जान पाएं, क्योंकि जो पोएट्री होती है उसमें मिलावट नहीं होती, और जिसमें मिलावट होती है वो कभी दिल को छूती नहीं है।